नाजीवाद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से थे? क्वेश्चन क्या है, नाजीवाद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन थे? चलिए इसके उत्तर को जानते हैं। नाजीवाद के प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार थे। पहला, शासन तानाशाही होना चाहिए। नाजीवाद का पहला सिद्धांत क्या था? शासन तानाशाही होना चाहिए। इस प्रकार के शासन का विरोध करने वालों के साथ कठोरता का व्यवहार किया जाएगा। इसका पहला सिद्धांत क्या था? शासन तानाशाही होना चाहिए और इस प्रकार के शासन का विरोध करने वाले के साथ वालों के साथ कठोरता से व्यवहार किया जाएगा। दूसरा सिद्धांत, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए युद्धों व उग्र राष्ट्रीयता की नीति का पालन करना आवश्यक है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए युद्धों व उग्र राष्ट्रीयता की नीति का पालन करना आवश्यक है। तीसरा सिद्धांत, जर्मन जाति विश्व की सर्वोत्तम जाति है, अतः पूरे विश्व पर उसी का अधिकार होना चाहिए। इसका तीसरा सिद्धांत क्या था? जर्मन जाति विश्व की सबसे ऊंची जाति है और यह पूरे विश्व में उसी का अधिकार होना चाहिए। इस तरह से नाजीवाद नीति नियम के अनुसार इस प्रकार का सिद्धांत बनाया गया था। तो आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसे अच्छी तरह से अध्ययन करके इस प्रश्न के जवाब को अच्छी तरह से याद कर ले ताकि आपको कुछ मदद मिल सके।